हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा WWE के टॉप 10 ऐसे रेसलर जो ग्रैंड स्लैम चैंपियन हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को पूरा देखना, तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर फर्स्ट पर आते हैं कर्ट एंगल, जो WWE में सबसे पहले ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने हैं। उन्होंने अपनी पहली टाइटल जीती सन 2000 में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और उसी के बाद जीती WWE चैंपियनशिप, और उसके बाद 2001 में जीती यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, और 2002 में उन्होंने टैग टीम चैंपियनशिप जीती, तब जाकर वो WWE के इतिहास में सबसे पहले ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने। तो नंबर 2 पर आते हैं रेटेड आर सुपरस्टार एज, जिन्होंने अपनी पहली टाइटल जीती 1999 में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और 2001 में यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, और 2002 में जीती टैग टीम चैंपियनशिप, और 2006 में जीती वर्ल्ड हेवीवेट WWE चैंपियनशिप, और तब जाकर बने वो WWE में दूसरे ग्रैंड स्लैम चैंपियन। और नंबर 3 पर आते हैं बिग शो, उन्होंने अपनी पहली टाइटल जीती WWE चैंपियनशिप 1999 में, फिर उन्होंने जीती यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप 2003 में, और उसके बाद 2009 में उन्होंने जीती टैग टीम चैंपियनशिप, और फिर उसके बाद जीती इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप 2012 में, और फिर जाकर बने वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन। तो अब आते हैं नंबर 4 पे द मेज, तो पहले उन्होंने जीती टैग टीम चैंपियनशिप 2007 में, और 2009 में जीती US चैंपियनशिप, और 2010 में जीती WWE चैंपियनशिप, और 2012 में जीती इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और फिर जाकर द मिज भी बन गए ग्रैंड स्लैम चैंपियन। और नंबर 5 पर है डेनियल ब्रायन, जिन्होंने अपनी पहली टाइटल 2010 में जीती US चैंपियनशिप, और 2012 में जीती टैग टीम चैंपियनशिप, और 2013 में जीते WWE चैंपियनशिप, और 2015 में ये जीते इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और फिर जाकर ये भी बन गए ग्रैंड स्लैम चैंपियन। और नंबर 6 पर आते हैं क्रिस जेरिको, जिन्होंने 1999 में जीती इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और WWE चैंपियनशिप जीती 2001 में, और टैग टीम चैंपियनशिप जीती 2009 में, और 2017 में जीती US चैंपियनशिप, और तब जाकर बने ये ग्रैंड स्लैम चैंपियन। तो नंबर 7 पर है डीन एम्ब्रोस, जिन्होंने 2013 में जीती इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और 2015 में यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, और 2016 में जीती WWE चैंपियनशिप, 2017 में जीती टैग टीम चैंपियनशिप, और फिर ये बने उसके बाद 7वें ग्रैंड स्लैम चैंपियन। तो नंबर 8 पर आते हैं द बिग डॉग रोमन रेंस, सॉरी द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, क्योंकि बिग डॉग का जमाना तो है ही नहीं, द ट्राइबल चीफ का जमाना है। तो रोमन रेंस ने अपनी पहली टाइटल जीती 2013 में टैग टीम चैंपियनशिप, और 2015 में जीती WWE चैंपियनशिप, और 2016 में जीती इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और 2017 में जीती यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, और फिर जाकर रोमन रेंस बने WWE के 8वें ग्रैंड स्लैम चैंपियन। गाइस, नंबर 9 पर आते हैं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, जो ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, 2013 में जीते टैग टीम चैंपियनशिप, और 2015 में जीते WWE चैंपियनशिप, और 2015 में ही जीते यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, और 2018 में जीते इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और तब जाकर ये भी बने ग्रैंड स्लैम चैंपियन। और आखिरी 10वें नंबर पर आते हैं दी लेजेंड किलर, दी एपेक्स प्रेडिटर, दी वाइपर रैंडी ऑर्टन, तो अपनी पहली टाइटल ये जीते 2003 में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और 2010 में जीते WWE हेवीवेट चैंपियनशिप, और 2006 में जीते टैग टीम चैंपियनशिप, और 12 साल बाद सन 2018 में यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप जीते, फिर आखिरकार बने WWE के लास्ट ग्रैंड स्लैम चैंपियन। तो दोस्तों, आप में से अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आपने बड़े बड़े रेसलरों को ग्रैंड स्लैम चैंपियन बता दिया, लेकिन जॉन सीना को छोड़ दिया। तो अगर आप में से कुछ लोग ये बात सोच रहे थे कि जॉन सीना को आपने ग्रैंड स्लैम चैंपियन क्यों नहीं बताया, तो मैं आपको बता दूं कि WWE में जॉन सीना भी सारी टाइटल जीत चुके हैं, बस एक टाइटल को छोड़कर, और वो टाइटल है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो दोस्तों, फ्यूचर में जॉन सीना अगर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी जीत जाते हैं, तो जॉन सीना भी WWE के ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएंगे, और आप लोगों का सपना भी पूरा हो जाएगा, मेरा मतलब कि WWE के जॉन सीना के फैंसों का सपना, क्योंकि जॉन सीना ने अपने फैंसों के सारे सपने पूरे करे हैं बस इस सपने को छोड़कर। तो अगर फ्यूचर में जॉन सीना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतते हैं, तो जॉन सीना भी ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करो कि जॉन सीना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत जाए और ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाए। मेरी तरफ से तो ये कहना है कि WWE में जॉन सीना के और भी बड़े रिकॉर्ड्स हैं, और उन्हें ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जॉन सीना को बस इतना ही काफ़ी है कि वो 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन से 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाए।
तो उससे भी बड़ी बात होगी तुम लोगों के लिए 17-time चैंपियन जॉन सीना को देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि WWE से जुड़ी ऐसी खबरें आपको मिलती रहेंगी। तो गाइस चलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।